भले बाबा वजीर बड़े परेशान दिख रहा हूँ, क्या बात भाई मियाँ, फोटो खींच रहा हूँ क्या? मुंह भी बना दो। अच्छा बना दो। तो भले बाबा वजीर बड़े परेशान दिख रहा हूँ, क्या बात? बोले यार आज बादशाह सलामत ने एक नया काम बता दिया। बोले क्या? हमने कहा वाह आदमी, बोले कहा जो झूठ बहुत बोलता हो और अगर वो हमसे जीत गया तो उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो बोले भाई इतनी सारी बात? बोले यार इतनी सारी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो बोले चलो हम चलना। अरे बोले तुम्हें पता है अगर उससे हार गया तो सर कलम करा देगा बादशाह। अरे बोले कोई बात नहीं चलो, मरना तो है ही, मरना तो है ही। उन्होंने कहा चलो भाई बादशाह लेगा तो वजीर लिया उन्हें साथ में। बादशाह बोले हमारा वजीर कोई मिला? बोले हाँ साहब लेके तो आए। उन्होंने अपनी लाठी बाठी रखी, अपने डंडा बंडा रखे। बोले भाई इनको लाए हो? बोले हाँ साहब इन्हें लाए। तो बोले अच्छा चलिए, बोले शुरू करिए आप अपनी बात। बोले नहीं साहब आप बादशाह आप शुरू करिए। अरे बोले नहीं आप हमारे मेहमान हो आप शुरू करो। अरे बोले आप बादशाह आप शुरू करिए। तो बादशाह बोले साहब एक बार हम दाढ़ी में अपनी कंघा कर रहे थे, एक जू निकल गई। बोले हमने वो जू मारी, उस जू की खाले हमने पूरी सेना की सिलवा दी, वर्दी सिलवा दी उस खाल की, खाल फिर भी ख़त्म नहीं हुई। बोले फिर हमने क्या करा, उसके जूते बनवा दिए सबके। बोले खाल फिर भी ख़त्म नहीं हुई। बोले बस्ती में जितने लोग थे सबके वर्दी सिलवा दी खाल की। बोले खाल फिर भी ख़त्म नहीं। बोले आखिर में गड्ढा खोद के उसको दबवाना पड़ा। बादशाह बोले अब आप शुरू करिए। तो बोले साहब एक बार हम खेत में ऊँट चुका रहे थे, ऊँट जो था चने का खेत था। बोले ऊँट जो था खेत में से गायब हो गया। बोले अरे चने खेत में ऊँट गायब हो गया? बोले हाँ। अब बोले साहब हम बड़े परेशान, हमने चने खेतों कटवा दिया, ऊँट बोले फिर भी नहीं मिला। बोले अरे बोले फिर बोले फिर बोले उसकी हमने फलियाँ निकलवाई। बोले फिर बोले साहब ऊँट फिर भी नहीं मिला। अरे बोले अच्छा। बोले साहब उन फलियों का, फिर उन फलियों में चना निकलवाया, उस चने का बोले पिसवाया हमने बेसन। बोले फिर बोले साहब ऊँट फिर भी नहीं मिला। बोले साहब उस बेसन की हमने पकवाई फुलकी है। बोले अच्छा। बोले हम एक दिन खाना खा रहे थे बैठे हुए, जब फुलकी तोड़ी तो ऊँट निकल के भागा। बोले फुलकी बोले फुलकी में तो ऊँट निकल के भागा। बोले हाँ। बोले फिर बोले साहब ऊँट आगे आगे हम ऊँट के पीछे पीछे, ऊँट आगे आगे हम ऊँट के पीछे पीछे। बोले ऊँट जो था मस्जिद में घुस गया। बोले मैं ही मस्जिद में घुस गया। ऊँट जो था बोले फोफड़े का बदने में घुस गया था। बोले मैं ही बदने में घुस गया। ऊँट जो था बोले बदने की टोटी में से निकल गया। चुप बोल पड़े गया माँ का छोटे तुमने झूठ वजीर का, इसको इनाम दो फोफड़े वाले को निकालो बाहर। तो मेरा नाम निकला।